हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं वन एंड ओनली वन टेक आहा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज की जो स्पेशल मेन्यू है वो है चिकन विंग्स क्रिस्पी एंड जूसी फ्राई। तो चलिए देर ना करते हुए आपको ले चलते हैं सीधे किचन में और वहां से दिखाते हैं आपको। आहा, मुँह में पानी आ गया। चलो क्विक रिव्यू, चलते हैं किचन में। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा चिकन और ये है विनेगर। सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है कि विनेगर 1 चम्मच डाल के और थोड़ा सा पानी डाल के इसको छोड़ देना हाफ एन आवर के लिए, मतलब आधे घंटे के लिए। इससे क्या होगा, इसकी जितनी इम्प्योरिटी है, जितने सारे इसमें बहुत बार क्या होता है जब वो लोग चिकन कटिंग करते हैं, आप चिकन को काटते हैं तो बहुत सारे उसमें इम्प्योरिटी रहती है। बस उसको निकालने के लिए आपको इसको आधे घंटे के लिए विनेगर के साथ छोड़ दीजिए, उसके बाद इसको पानी से धो लीजिए। देखिए चिकन किस तरह से पूरी बिल्कुल तरह से मतलब साफ़ हो गया है। और इससे पहले भी मैंने सिर्फ पानी से धोया था, बट विनेगर डालने से क्या होता है ना, जितने सारे इसके देखो अभी कितना अच्छा परफेक्ट कलर दिख रहा है। तो और इसकी जो स्मेल होती है ना, चिकन की स्मेल, वो भी विनेगर डालने से चली जाती है और इसमें थोड़ा सा खट्टापन आता है जो कि आपको खाने में मतलब मज़ा आने वाला है आज। तो चलिए अब इसको सादे पानी से धो लेते हैं। तो अब बात करते हैं इसमें पड़ने वाले मसाले की। ये आपका देगी मिर्च जो कि स्पाइसी होता है, उसके बाद है आपका धनिया पाउडर और उसके बाद है ये कश्मीरी मिर्ची जो कि कलर के लिए आप हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। और ये है आपका नमक और ये है ब्लैक पेपर। उसके बाद अंडा भी है हमारे पास और मैदा है और कॉर्नफ्लोर है। तो चलिए प्रोसेस को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि हम किस तरह से इसको ऐड करते जाएंगे और मिलाते जाएंगे। यह है लहसुन और अदरक, अब इसका पेस्ट बनाएंगे उसके बाद इसको यूज़ करेंगे। और थोड़ा स्पाइस के लिए आप इसमें हरी मिर्ची भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको ग्राइंड करते हैं मस्त, उसके बाद प्रोसेस शुरू करते हैं। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जितने सारे हमारे विंग्स पीस है ना, उसमें मैं थोड़ा सी कटिंग कर रहा हूँ। कटिंग से क्या होगा, जो मसाला है जब हम इसको मैरिनेट करेंगे मसाले के साथ, तो वो मसाला पूरी तरह से हर एक कोने कोने में अंदर चला जाएगा, हर एक कोने में अच्छे से मिल जाएगा। तो बस अब कट लगाते हैं, उसके बाद मैरिनेट करते हैं। सोया सॉस, यस, देखिए अंडा भी ऐड किया। तो अंडे से क्या होगा, अब जितने सारे हमारे मिक्सचर है ना, उसको बांध के रखेगा अंडा। ठीक है, अब हम इसमें ऐड करते हैं अपना कॉर्नफ्लोर, जिसे हम मक्के का आटा बोलते हैं। उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा कप के आसपास मैदा, और ये मैं जा रहा हूँ मैदा ऐड करने।